नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आपको मालूम होगा कि बीपीएससी टीआरडी 3.0 आ चुका है। इसका लास्ट फॉर्म डेट जो भरने का डेट था वो था 23 फरवरी। आपके मन में कई सारी शंकाएं हो रही है क्योंकि अभी रिक्ति बार सीट आई ही नहीं है, तो क्या सीटें बढ़ सकती है? डेट जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? एग्जाम का क्या डेट हमारा फिक्स होगा या बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ होगा? तो ऐसा अभी तक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डेट आपको बढ़ाई जाएगी। इसलिए आज हो गया 21 तारीख, फॉर्म पूरा समय रहते हुए भर लीजिए। जिनका एनसीएल नहीं बना हुआ है वो एनसीएल बनवा ले, भरिए, क्योंकि लास्ट बार में आपका नीट का भी इशू होगा, बार बार साइट जाम हो जाएंगी, तो बहुत फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल होगा। और आने वाले समयों में चैलेंजेज हमेशा खत्म नहीं होता है। गवर्नमेंट कब क्या पारित कर दे किसी को नहीं पता है, इसीलिए समय रहते हुए फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। अभी तक कुल मिला के 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से फाइनली 2.25 लाख के ही करीब हुए गए हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर के आधार बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथ ही चैलेंजेस तो होंगे। आपका 85,000 समथिंग सीटें में आपको 2 लाख फॉर्म गिरे गए हैं, लेकिन इसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप निश्चित रूप से बन सकते हैं। कई बार हमारे मन में दुविधाएं ये होती है कि क्या एग्जाम का डेट बढ़ सकता है, क्या इलेक्शन बीच में आ जाएंगी, तो अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। हमें उस डेट के आधार पे ही प्रिपरेशन करना चाहिए। कुल मिला के जो भी हमारे पास 20 से 25 दिन हैं, इसको हमें पूरा का पूरा जान झोंक देना है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, कुछ नहीं, सब कुछ, नींद आलस्य को त्यागो तुम, वो वाली बात आ चुकी है। हम अभी रन में उतर चुके हैं और पूरा का पूरा जितनी एनर्जी है आपके साथ, पूरा का पूरा पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से जीत आपकी होंगी। देखिए, हमारे मन में ही पहले ये बैठ जाता है होगा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जेन्यून स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यू आप प्रिपरेशन पे भरोसा रखे हैं, तो आपका जीत जरूर होगी। जो 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग पढ़ने वाले होंगे। अगर आपको भरोसा है कि नहीं, हम शिक्षक के लायक हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए। Thank you very much.